आज हम देखेंगे कि क्लिक मैजिक में कस्टम ट्रैकिंग डोमेन कैसे ऐड करते हैं ताकि जो भी ट्रैकिंग लिंक है आप उसको अपने डोमेन के साथ जो भी आपने परचेज करा है उसके साथ रिप्लेस कर सको। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आज आपको करके बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको एक डोमेन परचेज कर लेना है जिसको आप यूज करना चाहते हो एज अ कस्टम डोमेन अपने क्लिक मैजिक में, और ताकि आप अपने जो क्लिक मैजिक का ट्रैकिंग लिंक है उसकी जगह आप अपना कस्टम डोमेन यूज कर सको। तो डोमेन परचेज करने के लिए आप नेमचीप का भी यूज कर सकते हो या गोडैडी का भी यूज कर सकते हो। तो दोनों ही मेथड से मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने नेमचीप के अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नेमचीप का अकाउंट ओपन कर लिया। मैं ज्यादातर डोमेन्स अपने नेमचीप से ही बाय करता हूँ, ठीक है। तो डोमेन मैं परचेज नहीं करूंगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे डोमेन्स हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक डोमेन परचेज कर लो। डोमेन परचेज करने के बाद आपको डोमेन की राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक मैनेज का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही करना है, कोई भी स्टेप्स आपको मिस नहीं करने, वरना आपका जो डोमेन है वो आपकी क्लिक मैजिक से अटैच नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा नेम सर्वर। आपको मेक श्योर करना है कि जो नेम सर्वर है वो बेसिक DNS ही हो, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर आके यहाँ पर एडवांस DNS पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का खुल जाएगा। अब आपको नीचे होस्ट रिकॉर्ड्स में देखना है, यहाँ पर लिखा टाइप होस्ट वैल्यू TTL। जो सारी चीजें आपको यहीं पर चेंजेस करनी है ताकि जो आपका ये डोमेन है, जो डोमेन आपने बाय करा है, ये आपके क्लिक मैजिक से अटैच हो जाए। तो जो भी चीजें, जो भी चेंजेस करने हैं वो सारे यहीं पर करने हैं। तो जो भी स्टेप्स मैं आपको आगे शो करूंगा आपको एग्जैक्टली वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओपन करना है क्लिक मैजिक, और यहाँ पर जाना है आपको हेल्प के टैब में। हेल्प के अंदर यहाँ पर नॉलेज बेस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लिखा है सिलेक्ट अ टॉपिक बिलो और एंटर योर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें लिखना है नेमचीप कस्टम डोमेन, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ नेमचीप कस्टम डोमेन, ठीक है। उसके बाद सर्च करना है। अब आप देख सकते हो जो फर्स्ट आर्टिकल वो है हाउ डू आई सेट अप अ कस्टम डोमेन विद नेमचीप। तो आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है, और जो भी स्टेप्स इसमें लिखे हैं एकदम एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हो जो स्टेप वन है वो लिखा है क्रिएट अ सी नेम रिकॉर्ड इन द DNS सेटिंग। तो यहाँ पर आप देखिए कि सी नेम रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और देखते हैं क्या लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि एंटर www इन द होस्ट सेक्शन ऑफ द DNS एंट्री। तो यानी कि हमें यहाँ पर होस्ट में www एंटर करना है, तो ये ऑलरेडी एंटर्ड है तो मैं इसको भी चेंज नहीं करूंगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है, हमें लिखा है कि यहाँ पर www.clickmagic.com यूज करना है हमें ट्रैकिंग लिंक की जगह, ठीक है। यहाँ पर हमें www.clickmagic.com यूज करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहां पर मैं इसको चेंज कर देता हूं इसके साथ, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर नीचे इमेज में भी यहां सीनेम रिकॉर्ड है, www है, www.clickmagic.com, और यहां पर ऑटोमेटिक करना है TTL की जगह। तो यहां पर ऑटोमेटिक करने के बाद इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है। तो ये सेव हो गया है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ नहीं। अगर कोई आपको दो सी नेम के रिकॉर्ड यहाँ पर दिखे, जैसे कि हमारा वन ही था, मतलब एक ही सी नेम का रिकॉर्ड था, तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर दो होते तो आपको उनमें से एक डिलीट करना है, ठीक है, दो नहीं होने चाहिए सिमिलर टाइप के। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ए रिकॉर्ड, और ये जो चीज लिखी है एट 65.182.103 ऑटोमेटिक, ये चीज हमें एंटर करनी है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर आना है, और यहां पर आने के बाद आपको ए रिकॉर्ड चूज करना है, ठीक है, यहां पर, और यहां पर आपको एंटर करना है ये नंबर, ठीक है, जहां पर हमने क्लिक मैजिक www.clickmagic एंटर करा था वहां पर ये नंबर एंटर करना है, ये जो लिखा है देखिए, ठीक है। यहां पर आप नीचे फोटो में भी देख सकते हो, तो इसको मैं यहां पर एंटर कर देता हूं और ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद जो TTL है उसकी जगह हमें ऑटोमेटिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक करने के बाद इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो कि ये चीजें ये लोग दिखा रहे हैं कि ऐसा दिखेगा कुछ फाइनल, तो आप देख सकते हो कि फाइनली ये चीज हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है क्लिक मैजिक में
और यहां पर आपको जाना है टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है डोमेन मैनेजर में, बिकॉज यहीं पर जो हमने डोमेन बाय करा है हम उसको यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐड करता हूं, तो डोमेन है हमारा ये, तो कॉपी करते हैं इसको यहां पर www. ठीक है, और उसके बाद एड कस्टम डोमेन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा है डोमेन एडेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा जो डोमेन है वो एड हो चुका है। अब आप जब ट्रैकिंग लिंक क्रिएट करोगे तो आप वहां पर चूज कर सकते हो कि आप कौन सा डोमेन यूज करना चाहते हो अपने ट्रैकिंग लिंक में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखा है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप GoDaddy यूज करना चाहते हो, मतलब अगर आपने GoDaddy से मान लीजिए कि डोमेन परचेज करा है, ठीक है, नेमचीप से नहीं परचेज करा, तो आप कैसे करोगे? तो सिंपली आपको यहां पर कट करना है, और यहां जहां पे हमने लिखा था नेमचीप कस्टम डोमेन, यहां पर आपको लिखना है हाउ डू आई सेटअप कस्टम डोमेन विद GoDaddy, ठीक है, ये आपको लिखना है GoDaddy, ठीक है, और सर्च पे क्लिक कर देना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि काफी सारे आर्टिकल्स आ गए, तो ये जो आर्टिकल है हाउ डू आई सेटअप अ कस्टम डोमेन विद GoDaddy, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ज्यादातर जो स्टेप्स हैं जो नेमचीप के साथ हमने करे थे वैसे ही ऑलमोस्ट होंगे GoDaddy के साथ भी, बस थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो चेंज है GoDaddy और नेमचीप का, ठीक है। तो स्टेप वन आप देख सकते हो कि यहां पर भी सेम नेम रिकॉर्ड एंटर करना है अपने GoDaddy में, उसके बाद सेव कर लेना है जैसे हमने वहां करा था। और यहां पर भी देखिए ये IP हमने यूज करा था, @ यूज करा था होस्ट में, IP यूज करा था, और TTL की जगह यहाँ पे 1/2R यूज करना है और सेव कर देना है। और देखिए कुछ लास्ट में इस टाइप का दिखेगा, जैसे कि नेमचीप में दिख रहा था वैसे ही यहां पर भी दिख रहा है। अगर आप मान लीजिए कि GoDaddy और नेमचीप नहीं यूज कर रहे, कोई और यूज कर रहे हो, तो वहां पर भी सेम चीजें फॉलो होंगी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में पूछ लेना। तो बाय, टेक केयर।